हेलो गाइस, दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं TDS मीटर के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। आज हम बात करने वाले हैं कि वाटर में कितनी इम्प्योरिटी होनी चाहिए और कितनी प्योरिटी होनी चाहिए, मतलब TDS कितना होना चाहिए वाटर में, इसकी बात करेंगे। पहले चेक करते हैं जो नॉर्मल RO का होता है उसमें मतलब कितना TDS मिलता है। अब चेक करते हैं, चलो जीरो है, आप देख सकते हो। ये 20 है। 20 आ रहा है, मतलब बहुत ही कम है। लाइक ये भी बहुत अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए, इतना भी मतलब प्योर नहीं होना चाहिए। इसलिए नॉर्मल आर ओ ना विदाउट कंट्रोल TDS कम कर देता है, मतलब इसमें इतना कंट्रोल नहीं है। तो हम क्या है, हमारा जो ब्रांड है वो है हिमगार्ड का, उसमें मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड आता है जो भी पानी आता है। जो रेंज आ रही है मतलब वो कैसे आती है वो आपको बता देंगे कि वो है इंस्ट्रूमेंट, ये रहा, इसे बोलते हैं TDS कंट्रोलर। ये लेटेस्ट जो मॉडल आते हैं फिल्टर्स के उसमें लगता है। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम 50 to 150 आराम से। और ऐसे अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो TDS कम कम होती है। होती है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो TDS बढ़ती है। तो आजकल के जो लेटेस्ट फिल्टर्स आते हैं और हमारे भी इधर है, उसमें क्या होती है, इम्पोर्टेंट मिनरल कार्टेज होती है जो कि पानी को बहुत ही फिट बनाती है। उसमें मतलब एल्कलाइजर, एंटी ऑक्सीडाइजर, एंटी बैक्टीरियल जो कि बैक्टीरिया ख़त्म करती है, एनर्जाइजर एंड ब्लैक सिलिका, जिससे हमारी सेहत अच्छी होगी। और इसमें सारे आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से मतलब एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं pH वैल्यू कितनी होती है ड्रिंकेबल वाटर की। मतलब हमने RO का ये पानी लिया है और इसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 8.5, जो कि बिल्कुल ठीक है। जो रेंज होनी चाहिए वो होती है 6.5 से लेकर 8.5 तक। और इससे अगर ज़्यादा हो गई तो बेसिक हो जाएगा पानी, इससे अगर कम हो गई तो एसिडिक हो जाएगा पानी। मतलब ये बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। और ये pH मीटर के साथ हमने मेजर किया है। जब भी आप नया फिल्टर खरीदते हो ना, उसकी pH वैल्यू ज़रूर चेक करना, आनी चाहिए 6.5 से लेकर 8.5 तक। अगर ज़्यादा है तो मतलब, अगर ज़्यादा और कम है तो नहीं होनी चाहिए, वो मतलब हार्मफुल होती है मतलब हेल्थ के लिए। तो आप ये ज़रूर चेक करें। ये TDS का मतलब सारा सिस्टम। और सब्सक्राइब कीजिए और रिलेटेड मतलब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और कमेंट कर दीजिए आपको कहाँ किस पर वीडियो चाहिए, किस मतलब रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहिए।